राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक व शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार यहाँ पर सबसे पहले देखिए, रीट और एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण, राजस्थान पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, प्रकरण में फरार चल रहे 3 साथी इनामी गिरफ्तार, 75,000 रुपये के इनामी ओम प्रकाश ढाका, 50,000 रुपये की इनामी समी उर्फ छम्मी वैष्णवी, 25,000 रुपये के इनामी सुनील बेनीवाल को गिरफ्तार किया। एसओजी को तीनों अनामी बदमाशों की काफी लंबे समय से तलाश, एसओजी मुख्यालय में कल की जाएगी बड़ी प्रेस वार्ता यानी आज। तो रीट 2021 का पेपर आउट हुआ था, एसआई का पेपर आउट हुआ था, उसको लेकर ये गिरफ्तारियां एसओजी ने की है। इसके अलावा दोस्तों कल भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई, वहां पर थर्ड ग्रेड को लेकर भी बातचीत की गई। जो 50% आरक्षण का मामला था रीट 2024 में लेवल वन में लागू होगा, ये कंफर्म हो चुका है, सरकार की तरफ से मोहर लग गई है, अब ऑफिशियल ही कार्मिक विभाग आदेश जारी करेगा, लेकिन इसका लगातार विरोध भी हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों उपेन यादव और कई अन्य बेरोजगार संघ के नेताओं ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सचिवालय में जाकर मुलाकात की है। नई रीट 2024 विज्ञप्ति को लेकर, आरपीएससी की नई फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड और प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, उपेन यादव ने रीट पात्रता परीक्षा करवाने एवं प्रक्रियाधीन अध्यापक भर्ती की सूची व नियुक्ति के लिए शासन सचिव शिक्षा विभाग श्री कृष्ण कुणाल जी से और सीईटी पात्रता परीक्षा में 40% हेतु एवं पंचायती राज चयन भर्ती नियम संशोधन जल्द करवाने के लिए डीएपी प्रमुख सचिव श्री हेमंत गोरा से मुलाकात की। और वहां से दोस्तों जो न्यूज निकल के सामने आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नई भर्तियों को लेकर आज सीएमआर जनसुनवाई में अधिकारियों से वार्ता की। आरपीएससी ने बड़ी बात यहाँ पर देखी, आरपीएससी ने नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली है, बजट के बाद कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है, यानी 10 जुलाई को बजट पेश होगा, उसके बाद कभी भी नई सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। बाकी पुलिस विभाग में नई भर्तियाँ अच्छी संख्या में देखने को मिलेगी, संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियों की फाइल को कैबिनेट में जल्द पास करने का भी निवेदन किया है। इसके अलावा दोस्तों रीट को लेकर भी सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश देने वाला है। अब ये क्लियर हो चुका है कि रीट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, पुराना पैटर्न के हिसाब से रीट होगी, यानी पात्रता परीक्षा पहले होगी, अगले साल शिक्षक भर्ती होगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पदों का मामला यहाँ पर फंसा हुआ, पद इतने नहीं है कि डायरेक्ट सरकार शिक्षक भर्ती कर दे, क्योंकि पात्रता परीक्षा में पदों का वर्गीकरण बताने की कोई जरूरत है नहीं, वो पात्रता परीक्षा है। इसके अलावा राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण विरोध में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी का बयान, 4 जुलाई को यानी कल युवाओं से धरना देने के लिए आह्वान किया है। तो यहाँ पर देखिए लगातार दोस्तों नई रीट 2024 विज्ञप्ति से पहले विद्यार्थी चाहते हैं कि वापस सरकार इस मामले को ले, जो 50% आरक्षण वाला है लेवल वन में। मुख्यमंत्री ने भी क्लियर किया, शिक्षा मंत्री ने भी क्लियर किया कि लेवल वन में प्राथमिक स्कूलों में ये लागू होगा, उसी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। और रीट 2024 की विज्ञप्ति दोस्तों जल्द जारी होने की संभावना है, जल्द ही 4-5 दिन में ही आपको कुछ देखने को मिलेगी सरकार की तरफ से घोषणा रीट को लेकर। करीब 10 से लेकर 20 लाख के बीच विद्यार्थी इसके इंतजार में हैं। इसके अलावा रीट शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर कल कर्मचारी चयन बोर्ड में भी बेरोजगार ने प्रदर्शन किया, लेवल 2 का बाकी परिणाम को लेकर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लगातार ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, महिला 50 आरक्षण वापस लो रीट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एसएलपी वापसी के बाद भी पूरी नहीं हुई रीट अध्यापक भर्ती 2016, प्रदेश में जितनी भर्तियां लंबित है उनमें रीट भर्ती से 2016 सबसे चर्चित भर्ती की जा सकती है। उक्त भर्ती को पूर्ण करने की इरादे से गत वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर की थी। एसएलपी को वापस करवाकर पीड़ित बेरोजगारों की नियुक्ति का रास्ता खोल दिया था मुख्यमंत्री ने, इसे बेरोजगारों के हित में सरकार का ऐतिहासिक कदम करार दिया था। इससे पूर्व पीड़ित नरवासी निवासी अलका शर्मा के अनुसार निदेशालय ने अपनी भूल सुधारते हुए अपात्र अभ्यर्थियों के चयन से खाली सैकड़ों पदों पर
पात्र अभ्यर्थियों की नई चयन सूची के लिए सचिवालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन कार्मिक विभाग बार बार अपने अनावश्यक हस्तक्षेप से नियुक्ति में बाधा पेश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इतना पुराना मेटन है, करीब 7-8 साल पुरानी भर्ती है। इसके अलावा उप प्राचार्यों के पदस्थापन व सेकेंड ग्रेड की अटकी डीपीसी से बढ़ेगी परेशानी। सरकारी स्कूलों के नए शिक्षा सत्र में 37,000 फर्स्ट ग्रेड की कमी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेरोजगार मांग कर रहे हैं नई फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में 37,000 पद खाली हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के। अब 37,000 में आपको बता दूं, 12,000 तो वर्तमान में पद खाली है, 12,718, 5,700 पदों पर डीपीसी चल रही है फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल, तो वो खाली हो जाएंगे, 17,000-18,000 पद ये होंगे, और बाकी 2-3,000 पद और मिलाकर 17,700 पद या 17,500 पद क्रिएट होने हैं नई स्कूलों में, तो वो जोड़ दे तो 37,000 का आंकड़ा पहुंचता है। तो नई फर्स्ट ग्रेड की अच्छे खासे पदों पर आने की उम्मीद है, सेकंड ग्रेड के भी 44,000 से 45,000 पद खाली होंगे। इसके अलावा प्रविष्टियों में ऑनलाइन संशोधन की आज अंतिम तिथि। पूरा लेखपाल, सहायक पूरा लेखपाल, शोध अध्येता रसायन गे एवं शोध अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए, आरपीएससी में 109 पदों के लिए भर्तियां। डिप्टी जनरल के 73, वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट की 36 पोस्ट के लिए आवेदन 8 से, यानी कल ही परसों आरपीएससी ने दो नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की थी। उसके आवेदन प्रक्रिया एक भर्ती का 8 जुलाई से शुरू होगा, एक का 10 जुलाई से शुरू होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री का बयान, युवाओं से किया गया वादा पूरा किया जा रहा है, 70,000 नई भर्तियां शुरू हो रही है, ये मुख्यमंत्री का बयान है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्तियों में पद भी बढ़ाए हैं। यहां पर देखिए, थर्ड ग्रेड के लिए 1.5 लाख और मास्टर के लिए 7 लाख में बैठा 2.5 लाख ठगे भी। एमए पास वीर माराम दोस्त का डमी बना, पहले शिक्षक फिर हेडमास्टर बनाया, अपने ही गांव में हेडमास्टर की नौकरी कर रहा है वाल सिंह गणावा। शिक्षा मंत्री की जानकारी के बिना हुई सभी प्रतिनियुक्तियां निरस्त, शिक्षा विभाग से न्यूज। और यहां पर देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड सूचना, सहायक भर्ती में 7 सवाल डिलीट, पेपर सेंटर्स ब्लैकलिस्ट होंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट में 23 प्रश्न डिलीट हुए, 7 प्रश्न सूचना सहायक, तो इस तरह टोटल 2 भर्तियों में 30 प्रश्न डिलीट। इसके अलावा संगणक भर्ती 42 पदों की बढ़ोतरी, 5 जुलाई को आएगा परिणाम। परसों 5 जुलाई को कर्मचारी चयन बोर्ड संगणक भर्ती का परिणाम जारी करेगा। पदों में बढ़ोतरी हुई, पहले 583 पद थे, इनमें 42 पदों की बढ़ोतरी होगी, अब 625 पदों पर परिणाम संगणक का जारी होगा। शिक्षा विभाग की ढिलाई, प्रदेश में पिछले साल हुई थी 10,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती, 1 साल पहले नियुक्त हुए शिक्षक अब तक पाठ्यक्रम ही तय नहीं। जोधपुर रेंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पेपर लीक सरगना ओम प्रकाश और सुनील हैदराबाद से गिरफ्तार।